गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 3 बेस्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्मार्टफोन्स के बारे में। बेसिकली गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर जाकर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे चैनल की ऑडियंस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्मार्टफोन्स के बारे में जानना काफी पसंद करती है। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने काफी सारे स्मार्टफोन्स को पिक करा जिनमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, एंड उनमें से हमने टॉप 3 बेस्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्मार्टफोन्स को पिक करा है। चलिए एक नजर इन सभी स्मार्टफोन्स के हाइलाइटेड फीचर्स पर भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पर गाइज, आपको इन तीनों ही स्मार्टफोन्स में तगड़ा प्रोसेसर मिल जाएगा जिसके चलते आप हाई लेवल का गेमिंग भी मक्खन जैसा खेल पाएंगे। 108 मेगापिक्सल तक का तगड़ा कैमरा सेटअप मिल जाएगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी के साथ 50 वाट तक का तगड़ा चार्जर मिल जाएगा, एंड सबसे जरूरी फीचर कि आपको इन सभी स्मार्टफोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलने वाला है। तो अगर गाइज आपका बजट 15,000 से लेकर 16,000 के बीच है और आप इस बजट में एक ऐसा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जिसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ साथ बाकी के फीचर्स भी काफी कमाल के मिल जाएं, तो डेफिनेटली आपको इन सभी स्मार्टफोन्स को जरूर से देखना चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज यार वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने स्मार्टफोन्स की तरफ। अगर गाइज आपका बजट 15,000 से 16,000 के बीच है और आप इस बजट में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर स्मार्टफोन के साथ साथ रियलमी ब्रांड का स्मार्टफोन लेना पसंद करते हैं, तब आप इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। Realme 9 4G हमारी इस लिस्ट में नंबर 3 पर है। चले चलकर इस स्मार्टफोन के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी परफॉर्मेंस से। तो यहाँ पर गाइस आपको Qualcomm Snapdragon 680 का एक अच्छा चिपसेट मिल जाता है जो कि 6 नैनोमीटर पर बेस्ड रहता है। गेमिंग को लेकर बात करें तो यहाँ पर गाइस आप लैग फ्री गेमिंग का मजा ले पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी चाहे फिर आप किसी भी तरह का गेमिंग कर रहे हो। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरे को लेकर। तो यहाँ पर गाइस आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है, एंड अगर बात करें सेल्फी कैमरे को लेकर तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है। यहाँ गाइस आप रियर और सेल्फी दोनों ही कैमरे से आप 180p 30fps तक रिकॉर्ड कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि नाइट में भी गाइस इस स्मार्टफोन का कैमरा आपको काफी अच्छी क्वालिटी के पिक्चर्स प्रोवाइड करा देता है। डिस्प्ले को लेकर बात करें तो यहाँ पर गाइस आपको 6.4 इंचेस का फुल HD AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ एंड 360 हर्ट्ज के टच समथिंग रेट के साथ मिल जाता है। इसी के साथ इस डिस्प्ले पर आपको 1000 निट्स का पीक ब्राइटनेस भी मिल जाता है। डिस्प्ले को लेकर बात करें तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, काफी अच्छा डिस्प्ले है तो आप वीडियोज वगैरह और मूवीज का काफी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। बैटरी को लेकर बात करें तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाएगी जिसको चार्ज करने के लिए 33 वाट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। यहाँ इस चार्जर से लगभग आधे घंटे में आप इस स्मार्टफोन को 50% तक चार्ज कर पाएंगे। यहाँ इस स्मार्टफोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट रहता है जिसमें आप 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड एक साथ इंसर्ट कर पाएंगे। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा एंड ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर रन करता है। चलिए जल्दी से इस स्मार्टफोन की प्राइस को भी देख लेते हैं। तो अभी के टाइम में गाइस 6128 वाले वेरिएंट के लिए आपको पूरे 16,000 रुपीस पे करने होंगे, एंड यहाँ पर कुछ ऑफर्स भी आपको मिल जाएंगे जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ इस स्मार्टफोन से जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। बाकी चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड लास्ट स्मार्टफोन की तरफ। सेकेंड पोजीशन पर लिस्ट करके स्मार्टफोन में भी काफी दमदार फीचर्स आपको मिल जाते हैं, बस एक रीजन है कि ये स्मार्टफोन थोड़ा सा पुराना है बट आपको आज भी एक दमदार गेमिंग करने का मौका देता है। Vivo Z1X हमारे इस लिस्ट में नंबर 2 पर है। चलिए चलकर इस स्मार्टफोन के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी परफॉर्मेंस से। यहाँ पर गाइस आपको Qualcomm Snapdragon का 712 का AIE प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 10 नैनोमीटर पर बेस्ड रहता है। गेमिंग को लेकर बात करें तो यहाँ पर भी गाइस आप हाई ग्राफिक्स वाली गेमिंग बड़ी ही स्मूथली खेल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा और आगे और बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरे को लेकर। तो यहाँ पर गाइस आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का बोके लेंस मिल जाता है, एंड अगर बात करें सेल्फी कैमरे के लिए तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी इस स्मार्टफोन का एवरेज है, मतलब आप दिन में थोड़ा बहुत अच्छा क्वालिटी देख सकते हैं बट नाइट में तो इस स्मार्टफोन का कैमरा बिल्कुल भी अच्छा पिक्चर्स कैप्चर नहीं कर पाता है। डिस्प्ले को लेकर बात करें तो 6.38 इंच का फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जो कि काफी अच्छा है, वीडियोस और मूवीज का आप काफी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, साथ ही एक दमदार गेमिंग में भी डिस्प्ले एक्सपीरियंस काफी गजब रहेगा। बैटरी को लेकर बात करें तो 4500 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाएगी
करके एडीसी को चार्ज करने के लिए 22.5 वाट का तगड़ा चार्जर आपको मिल जाएगा। यहाँ इस स्मार्टफोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप दो सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, एसडी कार्ड का ऑप्शन नहीं रहता है। तो ये इस स्मार्टफोन का एक कॉन्स है जो आपको नजर में रखना चाहिए। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, फ्रंट टच ओएस 9.1 पर रन करता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 9। एंड चलिए जल्दी से इस स्मार्टफोन की प्राइस को भी देख लेते हैं। तो अभी के टाइम में गाइस 4/128 वाले वेरिएंट के लिए आपको 15,900 रुपए पे करने होंगे, बाकी आप ऑफर्स वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। एंड यहाँ इस स्मार्टफोन से जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर पूछ सकते हैं। बाकी चलिए बढ़ते हैं हम अपने नंबर 1 स्मार्टफोन की तरफ। अगर गाइस आप 15,000 से 16,000 की कीमत में एक ऐसा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जिसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ साथ एक तगड़ा कैमरा क्वालिटी भी देखने को मिल जाए, तो डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। ओप्पो F19 Pro Plus 5G हमारे इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। चले चलकर इस स्मार्टफोन के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी परफॉर्मेंस से। तो यहाँ पर गाइस आपको MediaTek Dimensity 800U का एकदम दमदार चिपसेट मिल जाता है, जिसके चलते आप हाई ग्राफिक्स वाला गेम भी बड़ी स्मूथली खेल सकते हैं। एक दमदार गेमिंग का मजा लेने में आपको एक भी इशू नहीं मिलेगा। बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरे को लेकर, तो यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। एंड अगर बात करें सेल्फी कैमरे को लेकर, तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है। यहाँ इस स्मार्टफोन के रियर कैमरे से आप 4K 30fps के साथ साथ 1080p 30fps के साथ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड सेल्फी कैमरे से आप केवल 1080p 30fps के साथ ही रिकॉर्ड कर पाएंगे। कैमरा क्वालिटी स्मार्टफोन का काफी अच्छा है, डे के साथ साथ आप नाइट में भी काफी अच्छी पिक्चर्स कैप्चर कर पाएंगे। बढ़ते हैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की तरफ, तो यहाँ पर आपको 6.43 इंच का फुल एचडी सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे जाता है। बैटरी को लेकर बात करें तो 4310mAh की बड़ी बैटरी मिल जाएगी, जिसको चार्ज करने के लिए 50W तक का तगड़ा चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। यहाँ इस स्मार्टफोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड एक साथ इंसर्ट कर पाएंगे। 3.5mm का जैक मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, एंड ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर रन करता है। एंड चलिए जल्दी से इस स्मार्टफोन की प्राइस को भी देख लेते हैं। तो अभी के टाइम में गाइस 8/128 वाले वेरिएंट के लिए आपको पूरे 17,000 रुपए पे करने होंगे। यहाँ इस स्मार्टफोन से जुड़ा अगर आपके मन में कोई सवाल रहता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। बाकी यही थे गाइस टॉप 3 बेस्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्मार्टफोन्स, जो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स फीचर के साथ साथ बाकी के फीचर्स भी काफी कमाल के प्रोवाइड करा देते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं कि अगर मुझे इन तीनों में से कोई एक स्मार्टफोन पिक करना हो तो मैं कौन सा स्मार्टफोन पिक करना ज्यादा पसंद करूंगा। तो यहाँ पर गाइज मैं जाऊंगा Realme 9 4G के साथ, बिकॉज यहाँ पर आपको एक अच्छा गेमिंग करने का मौका तो मिलता ही है, साथ ही इस स्मार्टफोन का कैमरा ऑप्टिमाइज सिस्टम भी काफी अच्छा है, बाकी के फीचर्स भी काफी गजब है, तो मैं तो इसे स्मार्टफोन के साथ जाना पसंद करूंगा। बाकी गाइज आप इन तीनों में से कौन से स्मार्टफोन बाय करना ज्यादा पसंद करेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करना। चलिए मैं मिलता हूं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।